गुड मॉर्निंग साथियों, जय माता दी, सुप्रभात सभी मित्रों को, सुबह की राम राम। देख रहे हैं एक प्यारी सी और बहुत ही खूबसूरत सुबह हो गई है। पहाड़ों पे देख रहे हैं धूप आ चुकी है और पंछियों की चहचहाट की आवाज़ें आ रही हैं। साथियों, ये हमारा मॉर्निंग ग्लोरी, बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग देता है। ये देखिए भी मॉर्निंग ग्लोरी है। ये हमारे गुलाब के फूल। साथियों, हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। आज हमारे आलसी बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सुबह उठना नहीं चाहते। सुबह ठंड भी लगती है। हाँ, ठंडा मौसम तो होगा ही, पहाड़ों में ठंड तो रहेगी। ये देख रहे हैं पीछे से हमारा कॉटेज और पहाड़ों पे देखिए कितनी सुंदर धूप खिली हुई है। ऊपर के पहाड़ धूप से जगमगा रहे हैं और नीचे भी धूप नहीं आई। जिधर भी आपकी नज़र जाएगी इस टाइम बहुत ही हरियाली है। अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर की तरफ। ये रहा हमारा नीचे का रास्ता, ये कॉटेज और पंछियों की बहुत ही प्यारी आवाज़ है। ये नाशपाती का पेड़ है एक। ये देखिए कितनी सारी नाशपाती आई है इसमें, बहुत ज़्यादा घास फूस से भर गया है इस टाइम, पूरा एकदम जंगल सा हो रखा है। ये देखिए कितनी सुंदर घास है, पूरे रास्ते को भी कवर करके रखी हुई। सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा होता, शांत एकदम से, पक्षियों की आवाज़ें आती हैं और मंदिर में जो भजन बज रहा होता है सुबह सुबह उसकी आवाज़ सुनने को मिलती है। ये देखिए यहाँ पत्ता गोभी लगाई गई है, अबे इनकी इन्हें खोदा जा रहा है क्योंकि तैयार हो चुकी है। ये देखिए सुबह सुबह पहाड़ी में जाने, क्या बकरी की तरह छींक रही वैष्णवी? रात भर भी छींकती रहती है। ये देखिए कितनी नाशपाती आए हुए, कालू का भाई भालू। कालू कहाँ रह गया? कालू, कालू मेरे दोस्त, अरे वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग जी। देख रहे हैं हवेली का कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। ये साथियों फलों का सीजन जा रहा है, लेकिन अभी देखिए जो ये लेट वाली नाशपातियां हैं सारी फलों से लदी हुई हैं। इधर देखो, ये रही हमारी टीम, सारे हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। यहाँ से देखिए वेली कितनी खूबसूरत आ रही। देखिए एक छोटे छोटे से फल है रेड कलर के, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये मॉर्निंग ग्लोरी, ये तो हमारा फेवरेट है, अपने आप ही जहाँ देखिए वहीं जंगलों में आ जाते हैं। राम राम जी। राम राम, और कैसे हैं? बढ़िया, ठीक हो?
जी आ जाओ कालू आ जाओ चलो ये देख रहे हैं कितनी खूबसूरत रैली है, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से। लगातार यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये हाँ यहाँ पे एक कैफे भी है सामने, रेड कॉटेज वाला। सुबह सुबह सब लोग अपने कामों पे यहाँ लग जाते हैं। वो रहे हमारे मुक्तेश्वर महाराज। हर हर शंभु, जय हो भोलेनाथ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहुं सुबेग दास मैं तोरा। सो तुम जानहुं अंतर्यामी, पुरवहुं मोर मनोरथ स्वामी। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। यहाँ देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत वेली का व्यू है। अभी हम एक छत पे चढ़े हुए हैं, यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत वेली नज़र आ रही है। अल्टीमेट व्यू है। पहाड़ों का यही सुख है साथियों, इसलिए आप लोगों से बोलता हूँ कि जब भी लाइफ में थोड़ा टाइम मिले, कुछ समय निकालिए, कुछ पलों को चुरा लीजिए और आइए इन वादियों में, इन प्रकृति के बीच में अपने आप को कनेक्ट कीजिए और यहाँ खो जाइए। क्योंकि लाइफ बहुत ही छोटी है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। साथियों अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और देख रहे हैं वेली में कितने शानदार बादल आए हैं। आज यहाँ 3 दिनों से बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई है और धूप भी तेज़ी हो रही है। बाकी दूसरी जगह बारिश आ रही है लेकिन यहाँ पे बारिश अभी बिल्कुल भी नहीं है। काम चल रहा है हमारा नीचे, अभी चल के आपको दिखाता हूँ मैं। ये हमारा एक फ्लावर का प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए धूप खिलते हैं इतने खूबसूरत फ्लावरिंग होती है इनमें, रंग बिरंगे कलर के बहुत ही प्यारे लगते हैं। 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ पे हम टॉयलेट का यहाँ पे सेफ्टी टैंक बनाएंगे। ये जो हमारा नीचे वाला रूम था उसमें बाथरूम नहीं था और किचन भी नहीं था, तो इस पर किचन और बाथरूम बन रहा है। ये बिजली की फिटिंग की तार निकाल रहे हैं। ये यहाँ पे गड्ढे की खुदाई होगी, ये भी छोटा सा टैंक बन जाएगा, 6 फुट गहरा हो जाएगा। 4.5x6 फुट का टैंक बनेगा यहाँ पे। धूप बहुत तेज हो रही है। अभी हम चल रहे हैं नीचे वाले रूम में, अंदर से आपको दिखाते हैं। उसमें पार्टीशन हमने डाल दिया हुआ है, अभी सब गंदगी बिखरी पड़ी है, पूरा सामान इधर उधर सब फैला पड़ा है। ये देखिए सारा फिटिंग का सामान। ये रहा, इसमें कोई बड़ी खिड़की नहीं थी, इधर हमने खिड़की दे दी। ये देखिए यहाँ वॉल हो गया है, यहाँ पर किचन बन रहा है। 4.5x7 फुट का किचन है और 4x7 फुट का बाथरूम है। अंदर का बाथरूम जो है यहाँ पे वॉशरूम बन रहा है। यहाँ पे जो है इसका वॉश बेसन लग जाएगा, यहाँ पे सीट बैठ जाएगी, यहाँ ट्रैप लगा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ पे वॉश बेसन और ये इधर यहाँ पे टूटियाँ लग जाएंगी। तो ये नीचे दोनों छोटे साइज के हैं,
लेकिन 4x7 फुट का बाथरूम ठीक होता है, परफेक्ट है, कम नहीं होता। तो किचन भी 4x7 फुट की, क्योंकि टोटल 8.5 फुट अंदर जगह थी, बीच में 4 इंच की दीवार दे दी हमने, तो दोनों तरफ हमारे को 4x7 की जगह मिल गई है। यहाँ पर तो एक गेट लग जाएगा और किचन ओपन रहेगा, वॉशरूम पे गेट लग जाएगा और ये खिड़की यहाँ पे लग जाएगी। सारी मिट्टी, धूल मिट्टी सब पूरे बेड के ऊपर, इधर सारी गंदगी फैली पड़ी। पहले सब चीज़ डिसाइड नहीं था, पहले हमने सोचा था ये रूम यूज में नहीं लेंगे, लेकिन अब क्या है कि इसकी जरूरत पड़ रही है। कई फैमिलियाँ ऐसी आती हैं जिनको किचन सेटअप के साथ चाहिए, तो उसके लिए हम इसको तैयार कराया हुआ है। अब यहाँ स्लेब पड़ जाएगी और स्लेब पड़ने के बाद यहाँ पे किचन के सिंक वगैरह लग जाएगी यहाँ पे।